अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट मेकअप वीडियो है। ठीक है, मुझे जाना था मायों में तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए। और ठीक है जी, गेटिंग रेडी फॉर मायों। ठीक है जी, सबसे पहले क्या कर लेना है आपने, अगर आपने लेंस वेयर करने, सबसे पहले लेंस वेयर कर लिया है। ठीक है जी, फिर एक अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चर कर लिया है मैंने। और फिर मॉइस्चर करने के बाद 5 मिनट्स के लिए अपने फेस को यानी छोड़ देना है ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। बिल्कुल टैप टैप करके लगाना है अच्छी तरीके से और फिर इसको छोड़ देना है। ठीक है, देन हम इसके बाद अप्लाई करेंगे प्राइमर। ठीक है जी, प्राइमर मेरे पास है टॉप फेस का, वो अप्लाई करेंगे फटाफट। ठीक है जी, प्राइमर अप्लाई कर लिया है हमने, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चर हो गई। फिर 5 मिनट्स अगेन आपने रिलैक्स छोड़ देना है अपने फेस को। एंड देन आपने क्या करना है, अपना जो मेकअप है उसको सेट कर लेना है ताकि जल्दी जल्दी मेकअप हो जाए और फिर बाद में सब सबमिट किया जाए, क्योंकि मेकअप करने में बहुत फैलता है सब कुछ। ठीक है, ये मेरे पास है टॉप फेस का फाउंडेशन। ठीक है, ये मैंने लिया अपने हैंड पे। और ये मेरे पास है ग्लो फाउंडेशन है, ये भी जे डॉट का। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिक्स करा, मर्ज करा इन दोनों को। जब मैं मर्ज करके बेस यानी लाइक बनाती हूँ ना, बहुत अच्छा सा यानी बेस बनता है, फाउंडेशन लगता है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा और ये पूरे फेस पे टैप टैप करके अप्लाई कर लिया। ठीक है, और ब्लेंडिंग फिर क्या करेंगे, फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे पूरे फेस पे। ठीक है, अगर कम पड़े तो आपने अगेन इसको ऐसे ही यानी हाथ पे लेकर अच्छे से करना है और फिर लगा लेना है पूरे फेस को, अच्छे से फाउंडेशन लग जाएगा। ठीक है जी, इसकी हेल्प से लगाएंगे टैप टैप करके। अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद देन अब लगाना है फेस पाउडर। ठीक है जी, और कॉम्पैक्ट पाउडर उसके बाद लगा लिएगा अगर आपके पास हो। मेरे पास था पर मैंने उसे अप्लाई नहीं करा था, जैसे मैंने फेस पाउडर लगा लिया था ब्रश से, देन मैंने कंटूरिंग करी थी। ठीक है जी, उसको भी टैप टैप कर लिया था, अच्छे से कंटूरिंग कर लेनी है। ठीक है जी, इस तरह टैप टैप करके। ठीक है, मैंने सारी लाइट्स रूम की ऑन कर दी थी ताकि अच्छे से मेकअप इन्हेंस हो और यानी वीडियो अच्छी बन जाए। ठीक है, ये आपके सामने मैंने टैप टैप कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं। ठीक है जी, अब आईब्रोज़ बनाएंगे। ठीक है जी, इसको पहले अच्छे से लगाया और फिर इसको ब्रश की हेल्प से सेट कर लेंगे। ठीक है जी, जिस तरह आपकी आईब्रोज़ का शेप है उसी शेप में लेके जाना है, और अगर थोड़ा सा शेड फैल जाए तो उसको फिर रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, ये मैंने लगाया है सबसे पहले कॉर्नर पर हाईलाइटर। ठीक है, ये आपने देखा होगा मेरी आईब्रोज़ पर लग गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया था। सेकेंड साइड भी ऐसे ही हाईलाइटर लगाया है, ये अगेन फिर लगा और फिर इसे रिमूव करा। ठीक है जी, और ये अच्छे से पहले हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने नोट का पर्पल सा शेड इसको नीचे वाले एरिया में आई के अच्छे से करा ब्लेंड। ठीक है जी, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैंने गोल्डन शेड लिया और इसको बिल्कुल नीचे यानी लाइनर की तरह इसको पूरा लगा लेना है। ठीक है, मैंने ये मिरर में जाके लगाया था, आपने भी मिरर यूज़ करना है। ठीक है, फिर देन मैंने उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड करा। ठीक है, फिर मैंने एक पिंक कलर का शेड लिया और उसको अच्छे से पूरे यानी आई के एरिया में कवर कर दिया। और फिर अगेन आईब्रोज़ के पास मैंने हाइलाइटर लगाया था, बस ये मेरा आई मेकअप हो गया। देखिए, मैंने पिंक शेड लगा लिया अच्छे से इसको, बहुत लाइट सा आई मेकअप का लुक आया था। ठीक है, और अब क्या कहते हैं शिमर कह रही हूँ, फिर मैंने हाइलाइटर अगेन लगाया था कॉर्नर्स पे ताकि अच्छे से हाइलाइट्स हो जाएँ। वैसे माशाल्लाह से मेरी आईज़ बड़ी बनी है और आईलैशेस भी मेरी बहुत अच्छी हैं, नेचुरली ही कर लें जो मस्कारा जिसलिए यूज़ करते हैं मस्कारा लगा लेना है। ये देखें आप, पहले ही माशाल्लाह से मेरी आईलैशेस बहुत प्यारी हैं। और ये देखें, आईलैशेस लगाने के बाद मस्कारा लगाने के बाद का लुक, दोनों साइड पे मैंने लगा लिया था, अपर और लोअर दोनों साइड पे। ठीक है, अब अच्छे से मैंने ब्लश ऑन लगाया है। ठीक है, स्माइल करते हुए ब्लश ऑन लगाना है। ठीक है, अच्छा सा थोड़ा सा चिन पर लगा लिएगा। अब मैं लगाया मैंने हाइलाइटर। ठीक है, मैंने दो हाईलाइटर यूज़ करे थे, एक टॉप फेस का और एक जी डॉट का। ठीक है, हाईलाइटर मैंने यूज़ करा। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, वीडियो में मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ करी थी गोल्डन आई शीट की। ठीक है, मुझे हाईलाइटर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने उसे और लगाकर इन्हेंस करा अच्छी तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास है मैट लिपस्टिक। ठीक है, पीच से कलर की थी, वो मैंने लगाई तो बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट हो गया। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल सा मेकअप था, और ये मैंने वाइट कलर की आई पेंसिल अंदर आँखों में यूज़ की है। ये आप देख सकते, ये देखें बिल्कुल कॉर्नर्स पे आई पेंसिल यूज़ करी है, कितना अच्छा सा लुक आ गया। ठीक है, आई पेंसिल यूज़ हो गई। आज मैंने बनाई है अपनी YouTube के लिए फर्स्ट मेकअप की वीडियो। ठीक है, मायो लुक क्रिएट करा है मैंने। ठीक है, अभी चेंज करेंगे और बाकी सारा गेटअप डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ जस्ट मेकअप करा है अभी, और इसकी वीडियो भी कंप्लीट हो गई और ये मेकअप लुक आपके सामने है। ठीक है जी, बाय बाय। ये देखें चेंज कर लिया है। ठीक है, मेरा मेहंदी की कलर का सूट था, ठीक है वो मैंने वेयर करा है। और अब मैंने फ्लावर्स बनवाए थे तो उनको सेट करना था। बाल तो मैंने स्ट्रेटनर कर चुके थे, ठीक है, बाल बाकी जो रहते थे वो तरह सी बातें हेयर स्टाइल सेट करने के बाद ही फिर सेट करते हैं। मैंने बीच से यानी मांग निकाली, ठीक है, और फिर मुझे टीका लगाना था फ्लावर वाला, तो फिर मैं उसको उसकी सेटिंग कर रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ना हिले जुले नहीं, इसलिए उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। ठीक है जी, ये बीच से बाल सेट कर लिए। ठीक है, अब टीका उठाना है और उसे सेट करके लगाना है। ठीक है, ये मेरे पास ये था, और इसको मैंने बाल पिन की हेल्प से यानी एक लास्ट में उस तरह करा और फिर लगाया। ठीक है, इस तरह ये पीछे बहुत जा रहा था तो मैंने इसको पीछे पिन से सेट करा, और फिर पीछे से मैंने दो साइड से दोनों सेंटर से बाल लिए और फिर उसको पीछे से मैंने पिन्स कर दिए, ताकि पीछे से ये बिल्कुल दिखे ना इसका थ्रेड और ये कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना ये टीका। इससे बहुत अच्छा सा लुक हो गया था। ठीक है, फिर मैंने देन बालों पे क्या करा, स्ट्रेटनर करा, क्योंकि बाल थोड़े से वैसे हो रहे थे। अच्छा, ये डबल टेप है मेरे पास, इसका मैंने यूज़ करा है। इसको मैंने टीके के नीचे लगाया इस तरह, और फिर इसके ऊपर मैंने टीका लगा दिया, ठीक है, ताकि ये मूव ना करे ना, ये हिलता जुलता बहुत है। बिल्कुल सीरियसली बिल्कुल मूव नहीं करा था, बिल्कुल शादी अटेंड हो गई, घर आ गए उसके बाद भी नहीं ये हिला। अब इस तरह मैंने देखें पीछे से सेंटर से बाल लिए और फिर इसको पीछे से पिंच कर लिए, ताकि पीछे से कुछ भी ना दिखे। ठीक है जी, फिर बाल थोड़े से कर्ल से हो रहे थे, फिर मैंने स्ट्रेटनर निकाला, फिर आराम से स्ट्रेटनर करा, फिर बाल हो गए पूरे बिल्कुल सही से स्ट्रेट। ठीक है, ये मैंने वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ठीक है, क्योंकि मैंने बाल खुले थे। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, मैंने इस तरह यानी जो हम रोल करते हैं ना, ट्विस्ट बनाते हैं, इस तरह ट्विस्ट दो एक साइड पे बनाए, दो एक साइड पे बनाए और फिर उसको पीछे पिंस कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने अपने एयर रिंग्स पहने, ठीक है, इसी के साथ के कंगन भी थे वो मैंने इस टाइम नहीं पहने थे, जाते हुए पहने थे। ठीक है, ये मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, फ्लावर्स भी पहन लिए, फाइनल लुक इज रेडी। ठीक है, आपके सामने है सारा लुक। ठीक है जी, ये फिर हम वापसी पे, शादी के वापसी पे बाहर थे, तो ये थोड़ी वहाँ की वीडियो बनाई थी। फाइनली शादी हो गई ख़त्म, हम आ गए घर और एक भी पिक्चर हमने साथ नहीं ली। अब ज़रा पिक्चर्स ले लें, फिर चेंज वेंज करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल व्लॉग अपलोड करेंगे। ठीक है जी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। या पिक्चर्स हैं कुछ वो देखें, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स मुझसे कह रहे थे तुम्हारी माइयों है, मैंने बोला नहीं जी। खैर जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।